हेलो सर, माय नेम इज़ अनुज साहू एंड मैंने रिसेंटली SBI JA क्रैक किया है। क्रैक मतलब वो मेंस का रिजल्ट आया, सो आई क्वालिफाइड। मैं ज़्यादा कुछ बोल के बोर नहीं करूँगा, बस इतना बोलना है कि प्रीलिम्स से पहले मैंने मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ा था। कुछ भी पढ़ा था मतलब बहुत कुछ, चलो था वो सब, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ कुछ था, मैंने कोचिंग मैंने किया था तो उससे प्रीलिम्स का हो गया था, बट मेंस का चलो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था मेरा। एक्चुअली सच बोलो तो प्रीलिम्स निकल नहीं रहा था, सो मैंने मेंस टोटली छोड़ दिया था। अब प्रीलिम्स निकल रहा है तो मेंस क्या ही करूँ। सो बहुत टाइम हो गया उसे। IRB क्लर्क में फेल प्रीलिम्स में ही, PPO में भी फेल, IPS क्लर्क में भी फेल प्रीलिम्स में। सो जब SBI दिया तो SBI ठीक हो गया, बहुत अच्छा हुआ। सो फिर SBI जब क्लर्क दे लिया एग्ज़ाम, तो उसके बाद तो फिर एक महीना है ना सही टाइम, उसमें मुझे करना था सब, मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना था। इंग्लिश से चलो सॉर्टेड था, हो जाता, बट रीजनिंग के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और जो पजल्स था मेरा रीजनिंग का, वो हो ही नहीं रहा था मुझसे मेंस लेवल का। जो SBI क्लर्क मेंस लेवल का था, IRB क्लर्क तो हो जाता, चलो ठीक है मैंने जो था एक महीने में, बट SBI क्लर्क मेंस लेवल का पजल हो ही नहीं रहा था। अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ? ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, बाकी चैनल्स में जा रहा हूँ तो पजल्स करना ही पड़ेगा बोल रहे। सडनली आपका चैनल तो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, तो बट फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया एक दिन, एंड थैंक गॉड उस दिन मिल गया, वरना मेरा आज क्लियर नहीं होता। एंड हुआ क्या कि आपने चैनल में बताया, आपका वीडियोज़ था जिसमें आप करवाते सब कुछ कुछ करवाते थे, जैसे पजल्स करवाओगे, फिर क्रिटिकल करवाओगे, फिर मिसलेनियस एंड ऑल DS। तो मैंने किया तो जब देखा कि आप क्रिटिकल के बारे में मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली, शायद मेरे कोचिंग में सिखाया गया था, बट उस टाइम मेंस में उतना फोकस था ही नहीं। सो मैंने आपका चैनल से कर लिया, बोला मैं क्रिटिकल का, फिर आपका पूरा कोर्स था मैंने कर लिया। मेरे तो डिटेल में नहीं बता रहा, बस मैंने पूरा कर लिया अच्छा तरीके से। एंड मेरा इंग्लिश अच्छा था, सो मैंने बहुत जल्दी उसको कंप्लीट किया। एंड स्टार्टिंग में रॉन्ग हो रहा था, मुझे समझ में आ रहा, लोगों को लगता है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना क्रिटिकल हार्ड है, हार्ड है, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझने प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, बट है क्या क्रिटिकल चीज़ टू लहला जब आप पढ़ते रहोगे ना। एक महीने में मैंने क्रिटिकल, एक महीना भी नहीं लगा शायद, मैं पूरा प्रो बन चुका था क्रिटिकल में। फिर उसके बाद क्रिटिकल होने के बाद फिर DS एंड मिसलिनियस, ये दोनों टॉपिक से मुझे पता चला कि मतलब 25 मार्क क्रिटिकल एंड DS में ही आ जाता है, बाकी 25 मार्क का साथ आपको पता चलेगा। सो DS भी जब करने लगा स्टार्टिंग में रॉन्ग था, टाइम कंज्यूमिंग था, बट इवेंचुअली जब प्रैक्टिस करता रहा आपका चैनल से हो गया वो, मैंने सक रहा था मैं ठीक ठाक। फिर सेम मिसलिनियस के साथ भी हुआ, मिसलिनियस चलो ठीक था, उतना हार्ड नहीं था, मैं पहले भी सक रहा था। सो बोलना यही चाहता हूँ कि विद इन 1 month मैंने SBI क्लर्क का मेंस, रीजनिंग का मेंस में 20+ स्कोर गारंटी किया होगा। मुझे पता है स्कोर कार्ड नहीं आया अभी तक, बट स्टिल 24 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था मैंने, एंड बाकी वो भी सिर्फ आपका क्रिटिकल एंड मिसलिनियस प्लस DS, एक भी पजल्स छुआ ही नहीं, टाइम भी नहीं बचा था मेरे पास, क्योंकि इतना भी तो एक महीना में स्पीड नहीं है ना कि DS भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल एक महीना में सिर्फ आपको ऐसा पॉसिबल हुआ, क्योंकि क्रिटिकल को इतना अच्छा तरीके से आपने क्रिटिकल पढ़ाया, एंड फिर वो भी क्या नाम था उसका, DS एंड मिसलिनियस। थैंक यू सो मच सर, वरना अगर पजल के पीछे भागते जैसे बाकी चैनल बोलते हैं ना, होता नहीं एक्चुअली, पजल्स करना चाहिए, ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं अगेंस्ट में नहीं जाऊँगा, बट स्टिल थैंक यू सो मच।